हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आप देख रहे हैं वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी दिल्ली का बिरला मंदिर और यहाँ की मान्यता क्या है और किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देती हूँ कि अगर आप इस टेम्पल में विजिट करना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रामाकृष्णा आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन। इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला जी ने करवाया, इसीलिए इस मंदिर का नाम बिरला मंदिर पड़ा। इसके अलावा इस मंदिर को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड ज्योति। सीपी में प्राचीन हनुमान जी के हमने दर्शन कर लिए, आपको अच्छे से आशीर्वाद दिला दिया हनुमान जी का। अब हम आए हैं, जस्ट 10 मिनट का डिस्टेंस है और हम आ गए हैं बिरला मंदिर। और ये जो मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो मेरा भी फर्स्ट विजिट है, तो जल्दी से अंदर चलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं लक्ष्मी नारायण जी का। ये पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको किसी भी तरह की एंट्री फी नहीं देनी है और गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया। अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपका यहाँ पे विजिट करना तो बनता है और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बिरला मंदिर भारत के कई शहरों में बने हुए हैं। देश के अलग अलग शहरों में बनाए गए इन मंदिरों की सुंदरता देखने लायक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं मंदिर के टाइमिंग्स की। ये मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और दिन के 1:30 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 1:30 से 2:30 मंदिर क्लोज रहता है और उसके बाद 2:30 से रात के 9 बजे तक आप यहां पे आके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ 1933 में और पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ 1939 में। और सबसे अच्छी बात यह है कि गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था और गांधी जी ने सिर्फ इस मंदिर का उद्घाटन एक शर्त पर किया कि ये मंदिर सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुला रहेगा, सभी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, कोई भी भेदभाव इस मंदिर में नहीं किया जाएगा। तो ये चीज इस मंदिर की सबसे ज्यादा अलग है। और हाँ, इस मंदिर में विजिट करने का जो बेस्ट टाइम है वो है शाम की आरती। अगर आप शाम की आरती में शामिल होते हैं तो आपके दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी और आपको मिलेगा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। भारत के अलग अलग शहरों में जो कुल मिलाकर बिरला मंदिर है वो 14 मंदिर है। अगर आप भी किसी स्टेट से हैं और आपने बिरला मंदिर विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा इस मंदिर में आके, आपको इस मंदिर की खूबसूरती कैसी लगी, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। सो ये आप देख रहे हैं मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ से आपको एंट्री करनी है मंदिर में अंदर जाने के लिए। मंदिर बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना होगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। मंदिर में हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको मंदिर के जस्ट बाहर कुछ प्रसाद की शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ा सकते हैं। उसके साथ में है जूता घर जहाँ पे आपको अपने फुटवेयर सबमिट करने हैं और सबमिट करके हैंड वॉश करके उसके बाद आप दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं निःशुल्क लॉकर सुविधा है, अगर आप पे किसी भी तरह का बैग है या फिर फोन कैमरा किसी भी तरीके की चीजें हैं तो आपको दर्शन करने से पहले यहाँ पे जमा करानी होगी, आपकी चीजें सेफ रहेंगी, लेकिन आप फोन कैमरा लेके मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमने जल्दी से अपना सामान सबमिट करा दिया और उसके बाद गए हम दर्शन के लिए अंदर।
एंड यहाँ पे लिखी गई है मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। साथ ही लिखा गया है मंदिर उद्घाटन के समय महात्मा गांधी का उपदेश। उनका कहना है कि मेरी आशा है कि लक्ष्मी नारायण और बुद्ध दोनों मंदिर लोगों की धर्म भावना वृद्धि करने में विशेष भाग लेंगे। यहाँ पे आप गांधी जी को देख सकते हैं उद्घाटन पूजा करते हुए। So, मंदिर में हम दर्शन कर चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के। दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए दर्शन, बहुत सुंदर मंदिर है। कैसा लगा मंदिर क्रिश? अच्छा था। दर्शन कैसे हुए? अच्छे हुए। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, लेकिन एक चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगी। मोबाइल फ़ोन जो फ़ोन वगैरह आप मंदिर में अंदर नहीं ले जा सकते। कोई भी फ़ोटो वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं है, और स्ट्रिक्टली ये चीज़ अलाउड नहीं है। फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मंदिर के बाहर ही जमा करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन नहीं करा पाई। आई होप आप यहाँ पर खुद आएंगे बिरला मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगी कि अगर आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको होंगे दिव्य दर्शन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान शिव, गौतम बुद्ध और भगवान कृष्ण, पवन पुत्र हनुमान जी, गणेश जी, इन सब के आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के अंदर। तो बहुत ही प्यारे दर्शन करके अब हम चले घर। तो आपको इंतजार करना है नेक्स्ट व्लॉग का, और नेक्स्ट व्लॉग होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।